जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित। आज के इस वीडियो में देख सकते हैं एक नई अपडेट आ गई, बीटीयूपी से लेटेस्ट अपडेट है, आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिली है। देख सकते हैं इस अपडेट के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मंदिर का, जिन्होंने सबसे पहले इस अपडेट को प्रोवाइड कराया। देख सकते हो सीधे और सही शब्दों में बड़ी मोटी हेडिंग में सीधे लिख के आ गया, बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया जो परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं। इसका मतलब जो बीटीयूपी का जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, बंदा ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है उसे भी पास कर दिया गया, ऐसी बात हो रही है। तो बोर्ड का क्या इस पर रिएक्शन आया, क्या अपडेट आई है, आपको जानना अति आवश्यक है। चाहे आप फाइनल ईयर से हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर से हो, सभी स्टूडेंट इस अपडेट को देखें, क्योंकि हो सकता है ऐसी जब खबरें ज्यादातर मीडिया में आने लगेंगी तो हो सकता है यहाँ पे रिजल्ट को अपडेट किया जाए। आप कहेंगे यार अभी तो कह रहे थे नहीं अपडेट किया जाएगा, देखिए कहा तो जा रहा था, लेकिन ऐसे ही जब मुद्दे लगातार आएंगे मार्केट में तो भाई उसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीधे कहा गया पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक की बात करें इंजीनियरिंग में और फार्मेसी के छात्र बिना परीक्षा के पास कर दिए गए हैं। आज के हिंदुस्तान के पेपर में यह देखने को मिला है, देख सकते हो गड़बड़ी करके यहाँ लिखा भी गया है, लखनऊ से सीधी अपडेट है। क्या कहा जा रहा है ध्यानपूर्वक समझिए और इस अपडेट पर अमल कीजिए। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग फार्मेसी पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया है जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी है। यह कारनामा बीटीयूपी के पोर्टल यू राइज पर किया गया है। इंजीनियरिंग और फार्मेसी के अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के छात्रों में अनुपस्थित रहने वाले कई अभ्यर्थी को अच्छे अंक दे करके उत्तीर्ण कर दिया गया, यानी पास कर दिया गया है। अब देखिए मैं एक चीज और बता दूं, यदि ऐसी बात है वो मतलब एग्जाम नहीं दिए फिर भी उन्हें पास कर दिया गया है, तो देखिए जो भी स्टूडेंट अगर फाइनल ईयर के उनमें बहुत कम स्टूडेंट का बैक आया, ऑनलाइन एग्जाम हुआ बहुत कम स्टूडेंट का बैक आया है, लेकिन अगर वहीं पर जब फ्री में किसी को पास करा, बच्चा ने एग्जाम दिया उसका दो चार नंबर कम है, मान लो ग्रेस मार्क्स न मिल पा रहा उसको भी कम है, उसको भी अगर कर देता तो कितना अच्छा रहता। तो आप इसमें क्या सोचते हैं एक बार कमेंट में जरूर बताओ। चलिए पहले अपडेट आगे देखिए। अब आगे देख सकते डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स हो या फिर जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप के साथ आप किसी भी समय 3 स्टेप में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पर आना है और प्ले स्टोर पर सर्च करने हैं फिलो ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके साइन अप कर लेना है, फिर अपने उस क्वेश्चन की आपको पिक लेनी है या फिर उसे टाइप कर सकते हैं या फिर गैलरी से लेकर के उसको अपलोड करना है। 60 सेकंड के अंतर्गत एक्सपर्ट आ करके वीडियो कॉल के जरिए आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। यदि आप फिलो ऐप का प्रीमियम ले रहे हैं तो STP005 रेफर कोड को यूज करना ना भूलें। देख सकते हैं कहा जा रहा है कि यह मामला तब उजागर हुआ जब परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले छात्रों को पुनः परीक्षा कराने के लिए कई संस्थान आवेदन करने पहुंचे थे, तब यह किया गया। यूराइज ने यह कारनामा अपने 100% परीक्षा परिणाम परिषद के लिए किया है कि भैया सब रिजल्ट एकदम धांसू हो, इसीलिए यूराइज पोर्टल के माध्यम से ऐसा किया गया है। पढ़ लिख कर परीक्षा देने वाले छात्रों और बिना परीक्षा दिए वाले छात्रों के बीच में इतने अंतर को ही मिटा दिया है। यह बात बिल्कुल सही है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार का अगर रिजल्ट देखा जाए, जो बंदा अच्छा पढ़ रहा था उसका भी रिजल्ट उसी के आसपास का आया है, और जो कम पढ़ रहा था या ना पढ़ रहा था उसका भी रिजल्ट अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसी के आसपास आया। जैसे एग्जांपल में बात कर लें, किसी का फाइनल ईयर का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर में 80% बना है, वहीं पे अगर एक बच्चा ना पढ़ रहा हो, कम पढ़ रहा है, तो उसका कितना बना है पता है, 75, 76, 77, इस तरीके से बना है बिल्कुल। तो कितना अंतर है, बिना पढ़े जब आ रहा है तो पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इस तरीके की चीजें यहां देखो सीधा लिखा गया, तो आप बताइए मतलब एक अंदर से यार गुस्सा आता है कि यार हमने पढ़ के इतना किया और बिना पढ़े मेरे बराबर आ गया, तो मतलब खराब लगता है यार। तो आप बताइए आपको
कैसा लगता है अगर आपके कॉलेज में कोई हो बिना पढ़े वो किसी तरीके से आ जाए, उसको मार्क्स इतना ज़्यादा और आपका आपको मेहनत करने के अकॉर्डिंग उतना ही आ रहा, तो क्या अंतर रह जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कहा जा रहा है ऐसे में पॉलिटेक्निक से निकलने वाले छात्रों का भविष्य क्या होगा, यह सवाल खड़ा हो गया है। जाहिर सी बात है भाई, जब फ्री का नंबर मिल रहा है, फ्री में सब लोग पास हो रहे हैं, तो भैया उनका आगे क्या होगा, ऐसे फ्री की नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी देखो बताता हूँ, BTUP की ओर से ऑनलाइन परीक्षा का जो परिणाम है 16 सितंबर 2021 को जारी कर दिया गया है। जारी हुए परिणाम में ठीक है बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षा छूट गई थी, लेकिन देख सकते हैं लेकिन उन्हें क्या किया गया, उत्तीर्ण कर दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज पता क्या चल रहा है, जो स्टूडेंट हमसे यह पूछ रहे थे कि बताओ भाई कि ऑनलाइन एग्जाम हमारा हो रहा था वो मतलब क्या हो गया, मेरा छूट गया है, मेरा लॉगिन ही नहीं हो पाया, नेटवर्क खराब हो गया, अन्य सारी समस्याएं बता रहे थे, तो उन स्टूडेंट को भैया अभी पास कर दिया गया है। तो देख सकते हो, और हाँ कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो मतलब एग्जाम देते मतलब एग्जाम क्या उसका एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है उसने लॉगिन ही नहीं कर पाया, क्या उसका भी नंबर ऐसा कोई स्टूडेंट है उसको मिल गया, तो एक बार हमें कमेंट बताए या फिर हमें इंस्टाग्राम मतलब हमें व्हाट्सअप पे आके बता दे, टेलीग्राम पे ऐसे जगह बताए जहां पता चल पाए, या कमेंट भी बता सकता है ठीक है, ताकि पता चल पाए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। उसके आगे अगर देख सकते हैं कुछ और भी चीजें आ रही हैं, अभी आगे बताएंगे। यहां पे देख सकते हो क्या आ रहा है, ये देखो 5000 से अधिक ऐसे छात्र हैं ठीक है पास जो परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए मिले थे, ठीक है इसका मतलब क्या हुआ, जो बात हो रही थी कि डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, UFM लगा दिया जाएगा, ए कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो भैया देखो फ्री में पास हो गए, ठीक है इसका मतलब कि भैया खूब अच्छे चीटिंग किए होते तो और भी अच्छा खासा सब लोग अंक लेके आते, लेकिन UFM लगा के सबको डराया गया था। बाकी यहाँ देख ही सकते हैं 5000 को लगा था UFM, सबको पास कर दिया गया। उसके बाद देख सकते हैं 16 सितंबर को कहा जा रहा है कि रिजल्ट जारी किया गया ऑनलाइन परिणाम माध्यम। उसके बाद देख सकते हैं आगे क्या कहा जा रहा है, नकल में चिन्हित छात्र भी उत्तीर्ण कर दिए गए। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी गया, इसको पढ़ लीजिए और समझिए। यूराइज ने परीक्षार्थियों जो भी परीक्षा दे रहे हैं उनको अनुचित साधनों को प्रयोग में UFM में चिन्हित करके 5000 से अधिक छात्राओं को उत्तीर्ण कर दिया था, ठीक है उत्तीर्ण कर दिया है। छात्रों में एक ऐसा मतलब एक भी ऐसा नहीं मिला जिसको प्रॉक्टर साबित कर पाए, ठीक है कि वह नकल कर रहा था। ऐसे में सैकड़ों प्रॉक्टर द्वारा नकल किए जाने वाले छात्रों को चिन्हित करने पर भी सवाल उठता है कि वह चीटिंग कर रहा था, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा था कौन चीटिंग कर रहा कौन नहीं, थोड़ा बहुत पता चल रहा था उससे थोड़ी होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उससे हम यह नहीं कह सकते कि बच्चा चीटिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए BTUP के जो सचिव हैं सेक्रेटरी हैं सुनील कुमार सोनकर जी का, उनकी तरफ से क्या कहा गया है इसको समझना भी जरूरी है। देख सकते हैं इनके द्वारा कहा जाए जो छात्र अनुपस्थित थे उनको उत्तीर्ण करने का फैसला ठीक है परीक्षा सीमित का है, कि कोई स्टूडेंट क्या किया गया है कि वह पेपर नहीं दिया उसको पास करना फेल करना या किसका काम है बताना, इसका काम निर्णय लेना परीक्षा सीमित का है। रही बात दूसरे छात्रों के उत्तीर्ण होने की, तो UFM के छात्रों का गहन परीक्षण करने के बाद ही उनको उत्तीर्ण किया गया है। तो देख सकते हो सीधे और सीधे कहा दिया गया है कि भैया जिसका भी UFM का संदिग्ध आया था मेल आया था उसको भी डरने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि अभी के लिए तो यही अपडेट रही है। इस बात को ध्यान में ये नहीं कह रहा हूं कि अभी मत डरो, लेकिन अपडेट तो यही है कि भाई UFM लग गया है कोई दिक्कत नहीं, सबको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि कैसे प्रूव करोगे बच्चा चीटिंग कर रहा है, बात की बात है उस समय क्या था। तो देख सकते हो BTUP से तो यही अपडेट फाइनली आई है कि जो जिसको भी मतलब एग्जाम नहीं दिया पास करना या नहीं करना वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, वहीं पे UFM के भी इसी के समझ लो डिपेंड करता है। अगर हम वही दूसरे बात करें तो देख सकते हो एक और अपडेट यहीं पे देखने को मिल रही है, सैकड़ों छात्रों की परीक्षा छूटी। फार्मेसी की अगर बात करें दूसरे दिन कई सौ छात्रों का परीक्षा छूट गया, नहीं दे पाए हैं। छात्रों ने यूजर आईडी से पासवर्ड मतलब क्या करना, परीक्षा देना चाहा तो लिंक नहीं हो सके, ठीक है। छात्रों ने स्क्रीनशॉट अधिकारियों को भेजा तो उसमें क्या क्या, BTUP के जो सचिव हैं सुनील कुमार सोनकर जी ने, उन्होंने कहा कि छात्रों को अतिरिक्त समय दिया गया, ठीक है बस कहा गया दिया गया, पता नहीं दिया गया नहीं दिया, हमें तो नहीं लगता दिया गया, अगर किसी को दिया गया फार्मेसी का ऐसा हुआ तो कमेंट बताएं। उसके बाद देख सकते हैं एक छोटी सी अपडेट है कि जो एंट्रेंस एग्जाम दी है उनको प्रवेश करने की तिथि यहाँ कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, अवसर अगेन दिया गया है, ये सब देख सकते हैं फीस वगैरह जमा करने का। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि ALU रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप पर हंगामा हुआ है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़ा डिग्री वगैरह की बातें हो रही हैं।
बट यहाँ पे देख सकते हो लखनऊ विश्वविद्यालय में घोषित परीक्षाओं में बड़ी संख्या में बैक आने व कम अंक से प्रमोट करने को लेकर के छात्रों में आक्रोश है। उसके बाद देखते हैं सोमवार को विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति कार्यालय पे हंगामा किया। छात्रों की बात सुनने प्राक्तन दिनेश कुमार और परीक्षा निर्देशक प्रोफेसर A.M. सक्सेना पहुंचे थे। छात्रों की मांग जल्द से जल्द बैक पेपर को, क्योंकि बैक लगने से जो भी मतलब डिग्री या फिर आगे UGPG की जो भी है बात करें उनकी, तो वो आगे प्रवेश नहीं कर सकते थे, एग्जाम नहीं, उनका भविष्य खतरे में। इन सब को देखते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें और अपडेट की गई है। छात्र बर्बाद हो, मतलब उनका ईयर बर्बाद ना जाए, खराब ना जाए, तो इन सब को देखते हुए रिजल्ट में कुछ अपडेट किए गए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जब फ्री में नंबर दिए गए हैं, बोर्ड का भी जो भी कहना था वो हमने साफ कर दिया कि बोर्ड भाई देखो यही बोल रहा है कि अब देखो अभी ज़्यादा टेंशन ना लो, 24 तक का वेट करो, 24 तक कंफर्म हो जाएगा कि पेपर हो, मतलब बैक पेपर की कोई अपडेट है कि जिसको नंबर मिल गया वही। हालांकि अब तो यही मान के चलो जिसको नंबर मिल गया उसको मिल गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सेक्रेटरी जो है कि सुनील कुमार सोनकर जी के द्वारा सचिव, इन्होंने भी क्लियर ही कर दिया है। बाकी देख सकते हो कि यह गलत हुआ है, मैं तो यही कहूँगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि भैया जब एग्ज़ाम ही तुम नहीं दिए हो, ठीक है, जब एग्ज़ाम ही नहीं दिए हो तो भाई तुम्हें पास कैसे कर दिया गया? तो यह बिल्कुल सरेसर गलत है, उनको भाई रोकना चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम दिया बंदा और एक नहीं दिया, दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? एक पढ़ा हुआ बंदा, एक बिना पढ़ा हुआ बंदा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ को करना चाहिए था, बट बीटीयू पे ने नहीं किया, पता नहीं क्या सोच लिया। बाकी अपनी राय, कोई कुछ भी करना है तो आप कमेंट में बताइए, कोई कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।